लाइफ लाइन देखे ना आप लोग, उस पे कितना अप डाउन होता है, और अगर सीधा प्ले होने का मतलब क्या होता है, खत्म ना। तो अप डाउन अगर आपकी जिंदगी में चल रहा है, किनके साथ ऐसा चल रहा है, किन किन के साथ ऐसा चल रहा है, उतार चढ़ाव चल रहा है ना। आप लोग सही चल रहे तो अपने लिए जोड़ा था फिर से। फाइनली लगभग 12 साल हो चुका है इस इंडस्ट्री में। इंश्योरेंस से मैंने स्टार्टअप किया था, नेटवर्क मार्केटिंग को जानना चालू किया था 2010 से। फाइनली 2013 से मैंने स्टार्टअप किया किसी एक्स कंपनी, किसी यूएसएस कंपनी में। वहां पे मेरे सीनियर ने पहला बोल दिया था, अगर आपको कामयाब होना है तो सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा। कितना दिन? मैंने बोला कितना दिन, जब तक आप सफल होना चाहते हो, नेक्स्ट लेवल में जाना चाहते हो, राइट। तो मैं, उन्होंने क्या बोला कि एक साल तक लगातार ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, इनकम नहीं भी हो सकता है, राइट। अगर एक साल टिक जाओगे तो महीने की इनकम कम से कम तो 2 से 5 लाख होगा। मैं बोला यार तो बहुत अच्छा है, मैंने कितने साल तो बिता चुका था। और रियली वहां पे मैं एक साल के अंदर ही नहीं, फर्स्ट महीना का ही मेरा इनकम था 53,000 रुपए उस कंपनी में। इस तरह का एक लाख इनकम लगभग एक साल के अंदर में होने लगा था। मैंने वहां पर जाना कि एक इंसान एक आम आदमी से खास बन सकता है, क्योंकि इंसान की जन्म उत्पत्ति काबिलियत जो है, इंसान की उत्पत्ति जो है सफलता हासिल करने के लिए हुई है। यस, ये आप लोगों को मानना पड़ेगा। कितने लोग मान रहे इस बात को कि आपकी जो उत्पत्ति हुई है, जन्म हुई है, सफलता हासिल करने के लिए हुई है, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। मान रहे ना? तो मैं भी मान रहा था। और इसी तरह कारनामा चलते गया, फाइनली फाइनल पारी खेलना था। एक्सपीरियंस हो चुका था मार्केट में, समझ चुका था कि डायरेक्ट सेलिंग रुकने वाला बिजनेस नहीं है। वेलनेस इंडस्ट्री को मैं जान चुका था। और इसी तरह का कहा जाता है, अगर किसी अच्छी चीजों का तलाश करते हैं ना, वो चीज पूरा कायनात उसको देने के लिए आपको मदद करता है। ये सर नो? तो मैं थैंक्स देना चाहूंगा मेरे अपलाइन इंडिया के सबसे यंगेस्ट डायमंड मिस्टर विक्रांत सर के लिए, जिनके माध्यम से मुझे ये लाइफ चेंजिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिला। और मैंने सेकंड भर का देरी नहीं किया, कंपनी विजिट किया, वहां जाके देखा कि जो जो विक्रांत सर ने बोला था प्रोफाइल बहुत अच्छी है, 300 करोड़ फैक्ट्री ऑन मैन्युफैक्चरिंग आरएनडी रिसर्च जो हमारे तन्मय सर बहुत अच्छे तरीके से बताया। और चूंकि एक्सपीरियंस था, मैंने डिसीजन लिया। और इस तरह से कुछ लोग हमारे साथ आए, कुछ लोग नहीं आए, लेकिन जब आप शुरुआत कर लेते हैं ना तो लाइन लगना चालू हो जाता है। इसी प्रकार फर्स्ट महीने का जो मेरा इनकम था वो 7,500 का था, दूसरे महीने का इनकम 1,29,000 रुपया का था, सेकेंड मंथ का इनकम, तीसरा महीना लगभग 1.5 लाख, चौथा महीना लॉकडाउन। ऐसे करते करते लगभग 2 साल कंपनी की स्टार्टिंग से हम लोग हैं एज ए फाउंडर लीडर। आई एम लकी की शुरुआत में इतनी अच्छी कंपनी का लीड करने का मौका मिला। और मुझे भी पता चला कि मेरे अंदर काबिलियत है लीडरशिप, लेकिन मुझे वो मौका नहीं मिल पाता था, इसकी वजह से मैं भी नहीं समझ पाता था। जब तक आप जिम्मेवारी नहीं लेंगे पता नहीं चलता है। इस तरह का लगभग अभी 2 साल हो चुके हैं कंपनी का, मेरा भी लगभग ऑन एन एवरेज अगर टोटल में बात करूं तो लगभग 30 लाख का इनकम हो चुका है, 30 लाख से प्लस ही हुआ होगा। पिछले महीना का इनकम का लास्ट महीना का वो था 2,60,000 से प्लस था, मैं देखा भी नहीं, मैं मुझे पता था कि 2.5 लाख से प्लस आएगा। अच्छा इनकम है तो आपको एक्साइटमेंट तो नहीं मिल रहा है? ये भी हो सकता है यार, फिलेस को नहीं मिला, मुझे क्या मतलब है, ऐसा लग रहा होगा क्या? आपको भी आएगा अगर मैं आप ही के बीच से रहने वाला हूँ, इसी तरह पीछे बैठा हुआ करता था,
लोगों को सुनता था मैं 10 साल 5 साल से, और एक दिन लेकिन लगता था कि एक बार अगर मौका मिल जाए अबकी बार तो लीडरशिप करूंगा। और कहा जाता है जिस चीज को आप सोच लेंगे ना जी जी वो चीज आप पा जाएंगे, वो हासिल कर लेंगे। मुझे भी 1 घंटा समय मिला है, ये जो मैं अभी ट्रेनिंग देने जा रहा हूँ अगर इसको मैं डिफाइन करके बताऊंगा तो लगभग 3 घंटा मुझे चाहिए। तो आज मैं आपको ये फील कराऊंगा कि ये सब चीज हम लोग बार बार करने वाले हैं। अगर आप साथ दें तो जैसे विक्रांत सर ने बोला है, तन्मय सर ने बोला है कि हम लोग इंडिया में नंबर वन बन के तो अभी भी हैं, हम लोग तो हैं। मिस्टर विक्रांत सर नंबर वन डायमंड है, सफायर ओनली वन हूं तो कोई है ही नहीं, तो आप भी बन सकते हैं, बनना चाहेंगे? Yes. तो अभी जो समय बचा है इसको पूरी तरह से सीखना है, क्योंकि जीतना है तो सीखना पड़ेगा, सीखना बन तो जीतना बन। सीख करके हवाई जाने आए हैं, लाइफ को बदलने आए, अपना नहीं बहुत सारे लोगों का जिंदगी बदलने आए, ऐसा ना? Yes. तो इसको सीरियस लेना पड़ेगा, राइट? Yes. तो ये ट्रेनिंग सीरियस है, मस्ती धमाल होते रहेगा। नेक्स्ट, वुड यू लाइक टू बी अ विनर, क्या विजेता बनना चाहते हैं? Yes. तो जिस तरह से तैराकी, घुड़सवारी, गोल्फ आदि को प्रशिक्षण द्वारा सीखा जा सकता है, उसी तरह लीडरशिप को भी प्रशिक्षण के द्वारा निखारा जा सकता है। मान रहे आप लोग? Yes. अधिक हमें अधिक शक्ति, अधिक योग्यता या बड़े अवसर की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अच्छे प्रशिक्षण द्वारा हमारे पास जो है उसके सही उपयोग की आवश्यकता है। आप जो भी है, जिस फील्ड में मास्टर है, कोई रिटेलर मास्टर होंगे, कोई जॉइनिंग करने मास्टर होंगे, राइट? कोई कस्टमर क्रिएशन में बहुत रुचि रखते होंगे, जिस फील्ड में मास्टर है उसको आप योग्यता को बढ़ाने में लगे। किसी विषय का सामान्य ज्ञान नहीं बल्कि विशेष ज्ञान ही आपको सफलता की ओर ले जा सकता है। yes. अगर आपको इस फील्ड में एक्सपर्ट बनना है तो आपको डेजर्ट एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। अगर आप 10% नॉलेज लेकर के अगर 100% सफलता को उम्मीद रखेंगे, ऐसा कभी हो सकता है क्या? यही चीज होता है। एक ही किताब, एक ही सिलेबस को पढ़ा, हमारे टीचर ने पढ़ाए थे, सबका अलग अलग नंबर आता था ना। क्यों? वाई? पूछिए अपने आप से, तैयारी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप चाहेंगे तो उसका एक्सपर्ट बन करके, गलतियां होगी, गलतियां करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि गलती के बाद ही सुधार होता है, ये समझो? Yes, sir. तो उसका एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। हम लोग एक्सपर्ट बन रहे हैं, मेरे में बहुत कमियां थी, मैंने किसी को मेंटर माना। मैं अगला स्लाइड बताऊंगा क्या क्या चीज करना पड़ता, राइट? परिस्थितियों को बेहतर बनाने के लिए लोगों को बेहतर बनना ही एकमात्र मात्र है, परिस्थिति आपके अनुसार नहीं चलेगी, विपरीत परिस्थिति में ही आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, आपके अनुसार से नहीं चलेगा दुनिया। लॉकडाउन आएगा, कोरोना आएगा, यस? Yes? फिर आ सकता है कि नहीं आ सकता है? उसके लिए तैयारी आपको करना पड़ेगा, प्रिपेयर रहना पड़ेगा, और जो भी हो रहा है उसको बोले कि अच्छा है, क्योंकि वो आपके लिए नहीं है, सबके लिए है। यस? अगर समस्या पूरा दुनिया के लिए है, लॉकडाउन पूरा दुनिया के लिए था, तो वो आपके लिए समस्या नहीं था, और उसको समस्या नहीं बोलते हैं, ये सुनो। उसका हमें विकल्प देखना चाहिए, उसका समाधान के बारे में सोचना चाहिए, और समाधान के बारे में सोचेंगे, कहा जाता है जिस चीज को फोकस करेंगे वही चीज होगा, ये सुनो। तो हमें समस्या को न ध्यान में रख के कहां फोकस करनी है? समाधान में। यस, प्रशिक्षण द्वारा ही हम अपने अंदर छिपी प्रतिभा को बाहर निकाल सकते हैं। यस, मानते हैं कि नहीं? हर एक इंसान लीडर है, आप लोग हर एक डायमंड हो, मैं बोल रहा हूं ना, क्योंकि मुझे भी लगता था 5 साल पहले, यार ये सबके बस की बात नहीं है, डायमंड कैसे बन सकता हूं, 5 लाख इनकम में कैसे पॉसिबल है? लेकिन मैंने गुरु चुना, मैंने मेंटर चुना, मैंने किताबें पढ़ना चालू किया, मैंने प्रशिक्षण लेना चालू किया, और देखते थे अपने आप में बदलाव होना चालू कर गया। जिस दिन 10,000 कमा रहा था लग रहा था यार 20,000 कमा लूं, 20,000 कमाना चालू किया, 50,000 के बाद जब 1 लाख कमाना चालू किया 2012 में, 1 लाख रुपए इनकम में टच कर चुका था, उस दिन लग गया यार अब तो 0-0 लग सकता है कि नहीं? जादू सोच का और प्रशिक्षण का, मैंने बोला ना आप अपने अंदर की प्रतिभा को प्रशिक्षण से उभार सकते हैं। यस, और इस तरह से मैं इस नेटवर्क मार्केटिंग हाईएस्ट इनकम 5 लाख महीने का कर चुका हूं, 5 लाख मंथ। एक जमाना था कि 10 रुपया की सोचता था, ये सब हो पाया सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन, ज्ञान को पढ़ाने की वजह से। ये मेरा पावर नहीं था, ये एजुकेशन, ये सबके पास फैसिलिटी है, ये चीज मेरे लिए स्पेशल नहीं है ना, ये ट्रेनिंग सबके लिए है ना। तो आप सब भी मेरे जैसे हो सकते हैं, हमसे आगे बढ़ सकते हैं। यस, नेक्स्ट जी, देखिए नेटवर्क मार्केटिंग जो है ये टीम बिल्डिंग का काम है, नेटवर्क क्रिएशन, जिसका नेटवर्क जितना बड़ा होगा उसका इनकम उतना बड़ा होगा। छोटा परिवार इधर दुखी परिवार,
बड़ा परिवार सुखी परिवार, इधर उल्टा है राइट, इधर उल्टा है। नेटवर्क मार्केटिंग में जिसका नेटवर्क, मेरा नेटवर्क बड़ा है ना, सफाया करना इतना आसान नहीं था, किसी को पता ही नहीं था। एक बात तो मुझे भी पता नहीं था कि मैं हो पाऊंगा, लेकिन मेरा टीम बड़ा था। मेरे सीनियर ने बोला सर आपका टीम बड़ा है, इतना बड़ा ग्रुप है, कर सकते हो। मैंने माना यस मैं कर सकता हूँ। ट्रेन में प्लानिंग चालू किया, जाते समय फ्लाइट की प्लानिंग किया, आधे घंटे में सफाया कंप्लीट कर दिया। और थैंक्स इसके लिए आप सभी लोगों का, इस पे बहुत बड़ा रोल है। एक बात मेरे तरफ से आपने पहले बताया अपने लिए, मैं बहुत फील करता हूँ कि मैं एक अच्छे टीम का मेंटर हूँ या प्लान हूँ। यस, तो ये जो टीम बिल्डिंग की प्रक्रिया तीन बातों से गुजरती है, नोट करेंगे इसको, ये ट्रेनिंग है, नोट करते जाएंगे। अगर नोट करना बहुत जरूरी है, या तो स्क्रीनशॉट ले लें और इसको जाके लेके घर में नोट करना पड़ेगा आप लोग। यस, नोट करते करते आपका दिमाग में वो बैठने लगता है। और ऐसे अगर देख रहे हैं तो ये हमारा जो है ना मस्तिष्क बहुत चीजों को इतना ज्यादा कवर नहीं कर पाता है। तो सबसे पहले गेट देम, यानी लोगों को लाना है। यस, सबसे पहले क्या करना है, लोगों को लाना है, चाहे कस्टमर के रूप में जोड़ के लाइए, चाहे उसको बिजनेस पार्टनर के रूप में जोड़ना है, या तो आप उसको हेल्थ, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, उसको बिजनेस मतलब नहीं लेकिन वो यूजर तो जरूर बनेंगे। यस और नो? क्योंकि बीमारी ह्यूमिडिटी क्या होता है लोग समझ चुके हैं। तो लोगों को लाना है। दूसरा कीप देम, उसको रखना है। यस, जोड़ना आसान है, जोड़े रहना कठिन है। तो उसको जोड़े रखने के लिए ग्रो उसको करना है। क्या करना है उसको, उसको ग्रो करना है, बढ़ाना है। बहुत बार क्या होता है, हम जोड़ तो देते हैं उसको छोड़ देते हैं, यानी बीज लगा दिए उसको सिंचाई भी नहीं की और दूसरा बीज लगाना चालू। क्या होता है, अंकुरित होने से पहले मर जाता है। ये सुनो, तो उसको प्रॉपर, जिस तरह से हम लोग किसान होते तो बीज को लगाने के बाद सिंचाई करते, उसका खरपतवार को हटाते, बहुत कुछ करना होता है। यस, प्रोटेक्ट करने के लिए उस पर पेस्टिसाइड डालते हैं, विटामिन डालते हैं, ठीक उसी प्रकार आपको टीम को नरिश करना पड़ेगा। तो उसके लिए प्रोसेस है। सबसे पहला सिक्स बेसिक्स, और ये सब चीज आपको माइंड में स्टोर कर लीजिए। ये इसके बगैर आप नेटवर्क मार्केटिंग में गोल्ड तक बन सकते हैं। यस, गोल्ड तो बन सकते हैं, उसके ऊपर नहीं जा सकते हैं। ये चीज हर लीडर फॉलो करते हैं, मैं फॉलो करता हूं, विक्रांत सर फॉलो करते हैं, जितने कंपनी डायरेक्ट सेलिंग के जो टॉप अर्नर हैं सारे लोग इसको फॉलो करते हैं। बहुत आसान, इसको आपको कॉपी कर लेना है, 100% कॉपी, राइट। तो सबसे पहला मेकिंग लिस्ट, सबसे पहले लिस्ट, लिस्ट तीन प्रकार का होगा। एक लिस्ट ऑफ ड्रीम, सपने। यहां पे वही लोग कामयाब होता है जिनका सपना होता है। यस, तो सपने की सूची काफी लंबी होनी चाहिए। पहला दिन ज्वाइन करने के बाद आपको सपना का सूची बनाना है और अपने नीचे वालों को भी ड्रीम का लिस्ट बनाना है। यस, ड्रीम, क्योंकि ड्रीम आपको ड्राइव करता है, ड्रीम आपको प्रेरित करता है सुबह जल्दी जगने के लिए, काम में जाने के लिए। बरसात हो, गर्मी हो, जाड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता है, विक्रांत सर को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो मौसम वो तो चलेगा। अगर मैं बैंक में ड्यूटी करता, आर्मी होता, तो ड्यूटी नहीं जाता क्या, बरसात बोल के जाता ना। तो यहां पर आपको ड्रीम आपको ड्राइव करता है। Yes, तो दूसरा होता है लिस्ट ऑफ डाउट, डाउट। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। वो आपको क्या है, डाउट क्या होता है, जिस तरह से आपके पास कार है और आप इंजन स्टार्ट कर लिए हैं, एक्सीलेटर भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन हैंड ब्रेक को खींचे हुए हैं, क्या किए हुए, हैंड ब्रेक को खींचे हुए, गाड़ी बढ़ पाएगा क्या, नहीं ना। उसी प्रकार डाउट होता है। डाउट क्या, क्या क्या मैं कामयाब हो सकता हूं, अपने पर ही डाउट होता है लोगों को। क्या मिरर्स, सबसे मेन चीज है हमारा रॉ मटेरियल, पार्टी लिस्ट, लोगों की सूची बनाना पड़ेगा आप लोगों को। ये कब करनी चाहिए, ज्वाइनिंग के फर्स्ट डे, विद इन अ वीक कर लेना चाहिए सब चीज प्रोसेस। अगर जो हमारे जैसे स्पीड में ग्रो करना चाहते हैं, डायमंड बनना चाहते हैं, एक साल के अंदर, हमारा तो 2 साल हो गया, अगर लॉकडाउन नहीं होता तो 1 साल के अंदर हम लोग बन ही जाते। क्या विकास सर फाइनल कर, लेकिन हर महीने 1 लाख का इनकम बढ़ा रहे थे हम लोग, 1 लाख 2 लाख 3 लाख इस तरह से करके, क्योंकि काम करना था तो 100% माइंडसेट के साथ हम लोग उतरे थे आपकी बात, ठीक है। तो लिस्ट बनानी चाहिए कितनी, मिनिमम 100 से लेके 200। यस, आपकी लिस्ट 500 है, 1000 है, तो बहुत अच्छा। और उस लिस्ट में हमेशा नाम को जोड़ते जाना है। क्या करना, पर डे नाम को, नए नए लोगों को जोड़ना, किसी को छांटना नहीं है। कस्टमर तो बन ही सकते हैं ना कोई ना कोई, हल्दी तो ले सकते हैं ना, धनिया ले सकते हैं कि नहीं, तो लिस्ट में छांटना नहीं है। हल्दी से घुसिए, धनिया से घुसिए, फिर उसको अपने बीओपी में सिस्टम में लाइए ना, सब करना चालू कर देगा। यस सर। तो लिस्ट कैसे बनना, अपने अपलाइन के साथ बैठने, तो अकेले बनाएंगे आप छांट देंगे, नहीं वो नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, है ना। तो लिस्ट बनानी कितनी,
मिनिमम 100 to 200 और मैक्सिमम कोई लिमिटेशन नहीं है, राइट? अब लिस्ट बन गया, अब दूसरा में क्या करना है, इनविटेशन अपॉइंटमेंट। अगर आपके यहाँ बीओपी होता है, वीकली सेमिनार होता है जहां पे प्लान प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन होता है, तो आपको वहां पे इनवाइट करना है, राइट? या तो उसके घर जाना है, तो उसे प्रॉपर वे में टाइम लेना है, और टाइम लेने के बाद समय से 5 मिनट पहले जाना है, वेल ड्रेस में जाना है, आपको लगना चाहिए वेलनेस कोच है, बिजनेस कोच है, राइट? ऐसा नहीं पुराना गंदा कपड़ा पहन के जाएंगे और ऊपर से नहाए धोए, हालांकि सब सब करते हैं, बट प्रोडक्ट नहीं खाएंगे, खांसी करेंगे, छींक करेंगे, रुमाल निकाल के, तो फिर वेलनेस कोच नहीं कहलाएंगे। दिखने में थोड़ा वेल ड्रेस होना चाहिए, वेल मतलब बहुत महंगा नहीं, थोड़ा सा अच्छा वेल ड्रेस, ताकि उसको लगे कि हाँ ये लोग पैसा कमाने, स्मार्ट लगना चाहिए, राइट? ब्रांड नहीं। अब 200 का 300 का शर्ट मिल जाता है बहुत बढ़िया, और 400 में पेंट मिल जाता है, और 250-300 में जूता मिल जाता है। शुरुआत वैसे ही हम लोग भी किए थे, लेकिन अब ब्रांड चेंज, लाइफस्टाइल, इनकम वाला तो चेंज, ठीक है ना? तो इस तरह से अपॉइंटमेंट लेना है, उसके बाद उससे मिल करके, अगर आप प्रोडक्ट के लिए अपॉइंटमेंट लिए हैं तो प्रोडक्ट से स्टार्ट करिए। अभी जैसा सिनेरियो चल रहा है ना, डायरेक्ट बिजनेस प्लान में मत जाइए, हेल्थ के ऊपर में चर्चा करिए, वेलनेस कोच, क्योंकि अभी कोरोना आकर के लोगों को इम्यूनिटी समझ में आ गया है, तो हमारे पास इम्यूनिटी का जबरदस्त प्रोडक्ट है, यस और नो? यस। तो स्वास्थ्य सलाहकार बनी, हमारे पास ऐसा सा प्रोडक्ट है, और हम इस प्रोडक्ट के माध्यम से उनके कैसे जिंदगी को हम लोग स्वस्थ कर सकते हैं। जब हम स्वस्थ को लेकर बात करते हैं, लोग सुनना पसंद करते हैं, यस और नो? यस। क्योंकि स्वास्थ्य के बारे में कोई उसको सलाह फ्री का नहीं देता, डॉक्टर तो और भी नहीं देता है, यस? उसके बाद उसको बताना है तुलसी से, तुलसी क्योंकि वो फेमस प्रोडक्ट बन चुका है, यस सर। और उसके बाद में रिच बेरी की जरूर बताना है, सी भक्तरण को, यस? यानी कि कम से कम 500 to 1000 रुपए उधर से लेके आना है, एमआरपी में देना है। फर्स्ट डे मैंने एमआरपी में सेल करता हूं, डीपी नहीं, फर्स्ट एक बार दूंगा एमआरपी में, सेकंड बार डिस्ट्रीब्यूटर, राइट? यस सर। यही करना है आपको, प्रोडक्ट का नॉलेज लीजिए। हमारा रिच बेरी वर्ल्ड का सबसे रिच बेरी सस्ता है, सबसे सस्ता 11.5 लाख और एक वैल्यू, अदर कंपनी का डीपी प्राइस है 3000, एमआरपी कितना है 4000, यानी उन लोग कितना में बेचते होंगे, 3000 से ऊपर में, हमारा तो एमआरपी 2500 है, डीपी 1500। तो प्रोडक्ट का नॉलेज लीजिए, ज्ञान लेना पड़ेगा, एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, यस? तो आपको अपॉइंटमेंट करना, फिर उसके बाद क्या करना है, अगर आप प्रोडक्ट के रिगार्डिंग गए हैं तो प्रोडक्ट के बारे में बताना है, कोई बात नहीं। और अगर आप बिजनेस प्लान को लेकर अपॉइंटमेंट हुआ है तो आपको क्या करना है, प्लान को बताना है, राइट? यस सर। और कितना टाइम में बताना है, 30 से लेकर 40 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। वहां पे जाके चाय बिस्किट नहीं खाना है, मेहमानबाजी नहीं करना है, आपको बिजी दिखलाना है कि आप बिजी चल रहे हो, आपके बहुत सारा क्लाइंट वेट कर रहे हैं। वैल्यू बनाना पड़ेगा, राइट? यस। ब्रांड इमेज बनाना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद फॉलोअप एंड स्टार्टअप। फॉलोअप मतलब क्या, सबसे अच्छा फॉलोअप का टाइम क्या होता है, आफ्टर प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन के बाद या तो प्लान प्रेजेंटेशन के बाद सबसे अच्छा समय होता है, क्योंकि लोहा गर्म किए है ना, लोहा गर्म करने के बाद एक लोहा लोहा को गर्म करते हैं, तो उसी समय हथौड़ा चलाएंगे तभी जाकर के फैला होता है, यस और नो? अगर बाद में हथौड़ा चलाएंगे क्या होगा, या हथौड़ा टूटेगा या तो लोहा टूटेगा या हाथ प्रॉब्लम आ गया, यस? तो तुरंत करना है, क्योंकि उस समय उसका माइंड पूरी तरह प्रिपेयर होता है, फोकस होता है वो। और अगर उस समय नहीं हो पाया तो आप नेक्स्ट अपॉइंटमेंट का टाइम लेके आएंगे 24 घंटा के अंदर अंदर, यस? फॉलोअप करना है। जिनका फॉलोअप नेटवर्क मार्केटिंग में देखा गया, जिनका फॉलोअप जितना इफेक्टिव होगा उनका रिजल्ट उतना अच्छा होता है। फॉलोअप बहुत मायने रखता है। फॉलोअप कैसे देखना है उसके लिए भी ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। यहाँ पे एक दिन में सब कुछ रामायण महाभारत नहीं बता सकता हूं, मैं बता रहा हूं राम ये थे, सीता ये थे, ये थे, ये थे, इसके बारे में डिटेल करना है तो उसके लिए वर्कशॉप, बार बार वर्कशॉप। एक दिन में ना डॉक्टर ना इंजीनियर ना वकील कोई नहीं बने हैं, तो इधर डायमंड भी नहीं बन पाएंगे, यस? यस। देने के लिए बहुत कुछ हमारे पास, मेरे पास ऐसा स्लाइड है कि मैं एक महीना लगातार लूंगा तब भी खत्म नहीं होगा, इतना मटेरियल बना करके रखे हम लोग। देने के लिए तैयार है, आप लोग लेने के लिए तैयार है? थैंक यू। तो फॉलोअप करना, फिर 100% प्रोडक्ट यूज। बहुत अच्छा बताया कि यहाँ पे हम लोग बेचने नहीं आए हैं, ऑडी शोरूम में जाएंगे, ऑडी शोरूम में वो लोग बहुत फीचर्स बताता है, ऐसा 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 है, ये है वो है। आप बोलोगे आपके पास ये गाड़ी है, नहीं है, यूज ही नहीं किया, बता रहा है, बेच रहा है। यहाँ पे आप वही लोग
आप सेल्स अच्छे प्रमोटर कहलाएंगे जो खुद प्रोडक्ट यूज करेंगे। 100% प्रोडक्ट यूजर बनना पड़ेगा। अगर आप घर में हर्बो स्माइल टूथपेस्ट या व्हाइट टूथपेस्ट यूज नहीं कर रहे हैं तो आप गलत हैं। अभी आप खुद पकड़िए अपने आप को, मैं देखने नहीं गया हूं। हाँ, मुझे देखना है मेरा घर, अचानक आ जाइए, बाथरूम घुसिए, किचन घुसिए, हर जगह घुस कर देखिए, हर जगह डेजर का प्रोडक्ट मिलेगा। 100% मैं यूज करता हूं। कोई प्रोडक्ट आता है कुछ नहीं, हमारे साथ में सब लोग हैं। लॉन्च हुआ तब से पहले मैं इसको यूज करता हूं, एलोवेरा वहीं पर पीना चालू, तभी तो बता पाऊंगा ना। यस सर। और वो दिखता भी है शरीर में ना। यस सर। भैया 40 ईयर हो चुका है मेरा, 40वां साल चल रहा है, कोई बोल सकता है मेरा 40 साल चल रहा है? आजकल मैं कुछ दिनों से ना टी शर्ट और जीन्स में उतरा हूँ। दो साल पहले मैं इतना प्रोफेशनल था कि हमेशा ब्लेजर। मेरी वाइफ को जलन होने लगा है। रियली में कभी बोलती है ऐसा पहन के जाओ क्या होगा, मेरा क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं है, बहुत मानती है, लेकिन हाँ आप पर्सनालिटी को ऐसा बनाए कि उम्र का पता नहीं चलना चाहिए। ये सब हो पाया तो हमारा वर्ल्ड क्लास न्यूट्रिशन की वजह से। वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट का रिजल्ट है। मैं सी बटर डेली लेता हूँ, रिच बेरी में सब चीज को पीता हूँ मैं। फाइव फ्रूट जूस है ना, दवा थोड़ी ना है। सुबह उठता हूँ, ब्रश इसी का, पेस्ट इसी का, साबुन से नहाने वक्त लगता है यार पैसा आ रहा है, हल्दी खाने से पैसा आता है, चाय पीने से पैसा आता है, तो किसी का बाप का क्या जाता है बताइए? अगर धनिया खाने से पैसा आता है तो किसी का बाप का क्या जाता है? हाँ, तो ये बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है, इसको आप जितना एंजॉय के साथ करेंगे लेकिन प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। करेंगे यानी कि आपके घर में जो जो प्रोडक्ट आप यूज करते हैं अगर वो प्रोडक्ट डेजो में है रिप्लेस कर दीजिए तुरंत। जितना जल्दी रिप्लेस करेंगे उतना जल्दी बिजनेस होगा, क्योंकि आप रिप्लेस करेंगे तो आप पूरा टीम को रिप्लेस करा पाएंगे। तो आपका सेल्फ बीपी कितना होना चाहिए? मिनिमम घर का यूज करेंगे तो कम से कम 2-2.5 हजार बीवी। yes, यही पहचान है अगर आप यूज करेंगे तो। मैं बीवी चेक करूंगा नेक्स्ट बार से सबका। यस सर। मैं आगे बताऊंगा फिर आगे कैसे करना है। तो 100% प्रोडक्ट यूज करना है। हाँ, 6 है बेसिक्स, इसको याद कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए, यही आपको आगे बढ़ाएगा। यूज 100% रिकमेंडेड टूल्स, 100% रिकमेंडेड टूल्स। जो डायरेक्ट सेलिंग के एक्सपर्ट लोग, आपके एक्टिव अपलाइन लोग जो आपको सजेस्ट किए कि ये चीज आपको करना पड़ेगा। 100% प्रोडक्ट यूज करना होगा तो प्रोडक्ट स्टॉक भी आपके पास होना चाहिए। कितना होना चाहिए? आप सेल्स में हैं, आप बिजनेस में, अगर आपके पास स्टॉक नहीं है दैट मींस आप बिजनेस पे सीरियस नहीं है। तो कम से कम मैं बोलता हूं अगर आपको बिजनेस करना है डेजो में, सक्सेस होना है, डायमंड बनना है, कितने लोग बनना चाहेंगे? तो रियली में डायमंड बनना है तो कम से कम 30-50 हजार का प्रोडक्ट एनी टाइम रखना पड़ेगा। फिर हाथ पर उठाई, कितने लोग डायमंड बनना चाहते हैं? यस सर। तो 30-50 हजार चेक करूंगा। yes, अपने पास होना चाहिए। और एक साल में बनना चाहते हैं तो 2-3-4 साल में बनना चाहते हैं? 5 साल सर ने बोला था, 5 साल भी खराब नहीं है, डायमंड बनने से 10 लाख इनकम आता है तो 5 साल में भी चलेगा। yes, sir. तो 10-20 हजार का प्रोडक्ट स्टॉक हमेशा होना चाहिए। कितना रहेगा? सारे लीडर्स लोग चेक करेंगे, राइट? और जो भी पीवीवी करना फर्स्ट वीक में ही कर लेना है। नहीं तो एक बंदा पिछले महीने क्राइटेरियम बने पता है, अपना बीवी कंप्लीट नहीं किए, प्याउट रुक गया 48 हजार का प्याउट। सोचिए, यानी कि प्रोडक्ट रिटेल नहीं करते होंगे या यूज नहीं करते होंगे, कुछ तो लोचा होगा, राइट? लेकिन अगर आपके पास स्टॉक होगा पहला सप्ताह अगर ले लेते हैं बिलिंग करते हैं तो ऐसा दिक्कत होगा क्या? ये बात ध्यान रखेंगे आप, राइट? तो ये 6 बेसिक्स है, याद हो गया? yes. ये चीज आपके दिमाग में यहां पे आ जाना चाहिए, सबको इस चीज को सिखलाना है। यस। सेकेंड होता है 8 core step, 8 महत्वपूर्ण कदम। ये बुनियाद है, यही चीज है जिसको बार बार फॉलो करना पड़ता है, ठीक है? सबसे पहला गोल सेटिंग, लक्ष्य। लक्ष्य विहीन इंसान दुनिया में कहीं भी नहीं पहुंच पाता है। जैसे मान लीजिए फुटबॉल ग्राउंड है, राइट? अगर वहां पर अगर गोल पोस्ट नहीं है, अगर फुटबॉल ग्राउंड है वहां पे गोल पोस्ट नहीं है, आप पूरा खेले जा रहे हैं 12 प्लेयर, 22 कितने होते हैं, 11-22 प्लेयर, कभी गोल होगा क्या? नहीं। गोल पोस्ट है ही नहीं यार, आप पूरा मेहनत कर रहे हो। ठीक उसी प्रकार बहुत सारे लोग जो फेलियर होते हैं उनकी जिंदगी में लक्ष्य नहीं होता है। क्या करना है इस महीने, कौन सा लेवल, कितना पीवी, कितना बीवी,
कुछ भी नहीं होता इसीलिए कहीं भी नहीं पहुंच पाते हैं। आप लोग वैसे में से नहीं है, इसका प्रमाण ये कि आप लोग इस ट्रेनिंग में अटेंड किए थे। एक बार फिर से अपने लिए जोरदार ताली। तो गोल सेटिंग करिए। ये गोल सेटिंग बहुत प्रकार का होता है, शॉर्ट टर्म गोल एक से लेकर छह महीने के लिए, मिड टर्म दो से तीन साल के लिए, उसके बाद चार से पांच साल छह साल के लिए, है ना जी। ये आपको गोल लेके चलना होगा, अपना कौन सा पीएम, कितना इनकम करना है, क्या क्या लेना है, कौन सा बाइक, कौन सा गाड़ी, घर, ये सब चीज लिखना पड़ता है। कितने लोग लिखे हैं? नहीं लिखे हैं तो लिख डालिया जा करके, करेंगे। थैंक यू। सेकेंड होता है यूज 100% प्रोडक्ट एंड डेवलप, वो तो मैं बोल चुका हूं, डेवलप मिनिमम 10 कस्टमर। अगर आपको यहां पे बिजनेस में सस्टेन और स्टेबल होना है तो कम से कम 10, मैक्सिमम का कोई चीज नहीं है, कम से कम 20 कस्टमर रखिए। एमआरपी कस्टमर में बात कर रहा हूं, एमआरपी कस्टमर, राइट, एमआरपी में बेचना है। कम से कम आपको 6 महीना से लेकर साल भर तक रिटेलिंग करना पड़ेगा। रिटेलिंग जो करते हैं वही टिकेंगे नेटवर्क मार्केटिंग में। यस सर। और जो रिटेलिंग नहीं करेंगे, सॉरी टू से, मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। रिटेलिंग क्या है, महीना में 5 रिच बेरी कितना इनकम हो गया, 5,000, 5 सी बक्तरों कितना इनकम हो गया, 6,000, 6,5, 11,000, उसके अलावा प्रोडक्ट को जोड़ लीजिए तो 10 से 20,000 तो आराम से इनकम करेंगे। अब जोड़ो जोड़ो तो पीछे जाते हैं लोग, काम ही नहीं करता, इरिटेट होकर घर में रह जाते हो पीबी पीबी के चक्कर में। अरे पहले बेचिए ना, अपने आप को तो मजबूत करिए ना। यस सर। पहले जड़ को मजबूत तो करिए, खुद मजबूत होंगे तब तो लोग मजबूत करेंगे। आप भी नहीं कमा रहे हो, फील्ड में जाना है, जूनियर फोन कर रहा है, रिसीव नहीं करते हो क्योंकि पैसा नहीं है, ऐसे ही होता है ना। रिटेलिंग करेंगे बहुत मजा आता है। मैं भी रिटेलिंग पहले से करता, बीच में थोड़ा सा स्लो था, अभी संजय सर फिर से जगा गए। इन्होंने क्या बोला रांचिया की, मैं मेरे से बहुत कुछ सीखे, मैं भी इनसे सीखा। अभी क्या आदत है, मॉर्निंग में घर आने से सुबह 5-6 बजे निकल जाता हूँ, 9 बजे फील्ड से निकलने, मतलब ऑफिस ऑफिस कहीं जाने से पहले एक चीज मेरी बेचना है मुझको, 1,000 रुपया कमा कर आता हूँ, मस्त लगता है सुबह सुबह, मस्त लगता है सुबह सुबह। रोकड़ा का बात है 1,000 में दिन भर का कार का खर्चा निकल गया मेरा, तो 30 से 40,000 मैं भी रिटेल इनकम करता हूँ। जिसको डाउट है मेरा पर्सनल भी देख सकते हैं, 20,000-10,000 से कम नहीं होता है मेरा, राइट। तो रिटेलिंग करना पड़ेगा, कितने लोग करना चाहेंगे, अगर डायमंड बनना है तो करना ही पड़ेगा। यस यस सर। थैंक यू। तो 10 से 20 कस्टमर, सॉर्ट अ प्लान डेली। अगर आप नौकरी करते, कहीं पर भी जॉब करते, हॉस्पिटल में, इस होटल में, आर्मी में, कहीं पर भी, बिग बाजार में, शॉपिंग मॉल, कहीं पे डेली जाना पड़ता, डेली काम करना पड़ता, 10,000-20,000 के लिए हालत खराब है भी, पता है ना आपको। yes. तो यहाँ पे क्या डेली काम करते हैं, जो करते हैं उन्हीं को पता है, जो नहीं करते हैं उन्हीं को पता है, नहीं करते हैं। अब मैं करता हूं, मेरा शेड्यूल चेक करिए आप, मैं करता हूं, मैं अपने आप को बिल्कुल जॉब मेंटेलिटी वाला मानता हूं। अगर मैं आर्मी, क्योंकि मैं आर्मी में भी गया था, क्योंकि आर्मी में होता तो डेली मुझे वहां पे जाना पड़ता ड्यूटी, तो मैं इसको ड्यूटी मान करके करता हूं। तो इसको आप डेली प्लान करिए, रोज काम करते करते, रोज प्लान करते करते, रोज प्लान दिखाने का आदत हो जाता है, रोज पैसा कमाने का आदत हो जाता है, क्योंकि डेली क्लोजिंग है हमारे यहाँ, डेली पेमेंट है कि नहीं, डेली पेमेंट नहीं है, वीकली पेमेंट, लेकिन डेली तो पे आउट बनता है। yes. बहुत मजा आता है, ऐसा कोई दिन नहीं हुआ जहां पे हमारा पे आउट नहीं बना। डे वन से, चाहे नया साल था उस दिन भी कैपिंग था, नया साल घूमने दिन होता उस दिन भी कैपिंग था मेरा 2,500 रुपया। क्यों, डेली काम करेंगे तो आपके नीचे भी डेली काम करेंगे लोग, तो डेली प्लान शो करना पड़ेगा, क्योंकि प्लान करते करते प्लान परफेक्ट हो जाएंगे आप उस पे। यस सर। कोई भी काम को अगर रोजाना करेंगे ना तो परफेक्ट हो जाएंगे। तो प्लान डेली करना है, स्पेंड डेली सम टाइम फॉर सेल्फ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के लिए आपको समय देना है, टू लिसन टेप एवरी, मतलब आपको अच्छी अच्छी किताब, ऑडियो वीडियो जो रिकमेंडेड वीडियो है, फालतू चीजें नहीं रखना है। यूट्यूब में बहुत फालतू की चीजें पड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग ज्ञानबाजी करते हैं, सर ने बोला नेटवर्क मार्केटिंग के एंड पता नहीं, किसी कंपनी में जुड़े नहीं है, 10,000 का पेआउट नहीं, और ज्ञान बजाते हैं नेटवर्क, वैसा नहीं। सिलेक्टेड दीपक बजाज बहुत अच्छे हैं, सोनू शर्मा अच्छे हैं, आप अपना यूट्यूब बनाइए ना बढ़िया से, अपने सीनियर का यूट्यूब देखिए ना। यस। तो अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, बहुत सारी किताबें दीपक बजाज सर का देखा, बनिए नेटवर्क मार्केटिंग लिए, बिल्कुल मैं उनका फॉलोअर हूँ, मैं उनको गुरु मानता हूँ, मैं उनको 100% फॉलो करता हूँ, राइट। मैं उनके साथ एक महीना बिताया है उनके साथ में, उनके साथ में मैं काफी सारा बुक, उनका एजुकेशन सिस्टम में कनेक्ट हुआ। इस तरह का बहुत सारा किताबें हैं जो आपकी जिंदगी बदलेगी। देखिए किताबें जिंदगी के हर महीने में आपको अमीर बनाती है, पैसों से भी अमीर, प्यार से भी, खुशी से, मतलब
आप एक कंप्लीट इंसान बन जाते हैं, एक अच्छा इंसान बन जाएंगे तो आपको लोग चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? तो प्रोडक्ट लेके जाएंगे तब भी लोग लेंगे, प्लान लेके जाएंगे तब भी लोग लेंगे। तो आप अच्छे इंसान बनना चाहते हैं? Yes. तो जितने वर्ल्ड के सफल लोग हैं ना, वो किताब पढ़ते हैं, रीडिंग्स बुक। ये सभी सक्सेसफुल लोगों का हैबिट है। आप लोग ही बनाना चाहेंगे? Yes. सफल होना है तो बनाना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। यस नेक्स्ट एट कोर में, जो व्यक्ति पढ़ना जानता है लेकिन नहीं पढ़ता है, सुनेंगे, जो व्यक्ति पढ़ना जानता है लेकिन नहीं पढ़ता है, वह एक अनपढ़ से किसी भी मायने में बेहतर नहीं है। यस, बारूद का जो काम युद्ध के लिए होता है, वही काम आपके दिमाग के लिए पुस्तक करती है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको भी वही करना होगा जो सफल लोग करते हैं। और एक चीज जो सफल लोग करते हैं वो है पढ़कर अमीर बनना। यस, ये 100% फैक्ट है, राइट? नेक्स्ट, अब है पांचवा कोर में है, अटेंड ऑल मीटिंग्स एंड फंक्शंस। एक से नहीं काम चलेगा। ये ट्रेलर था, आज का ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। आज का जो इवेंट है ना ट्रेनिंग, ये सिर्फ ट्रेलर है। और मतलब सभी जितना ज्यादा मीटिंग अटेंड करेंगे उतना ज्यादा आप में बदलाव आएगा, उतना नॉलेज गेन होगा। एक दिन में थोड़ा सा आएगा, 1%, 2%, 3%, ऐसा करते करते आप जब कंप्लीट होना चाहते हो तो आपको कंप्लीट ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करना पड़ेगा। क्यों? ये सिस्टम है। अगर आप नहीं आएंगे तो आप लोगों को भी लेके नहीं आएंगे, तो सिस्टम टूट जाएगा, चेन ब्रेक हो जाएगा। तो बार बार वही बेसिक्स आएगा, बार बार वही कोर, वही तन्मय सर, वही खिलेश जी, वही, लेकिन आपको बार बार आना पड़ेगा। आने के लिए तैयार हैं? Yes. अगर आपको सफायर डायमंड महीने का लाखों रुपए इनकम करना है तो आना ही पड़ेगा, राइट? बी ए टीम प्लेयर। क्या आप अपने टीम के कप्तान बनना चाहते हैं? Yes, sir. हीरो बनना चाहते हैं? आपको भी नाम ले अच्छा लगता है ना, डायमंड जी, तीन डायमंड में सबसे नंबर वन हमारे डायमंड है, यानी टीम प्लेयर। यस और नो? मैं भी सफायर अकेला हूं, कहीं ना कहीं कुछ तो बात होगा, प्राउड करने वाली बात है कि नहीं? तो ये सब चीज कैसे हो पाया, उसके लिए आपको टीम प्लेयर बनना होगा। सारा बेसिक, सारा कोर जो जो मैं बता रहा हूं, इसको आपको 100% इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। जितना जल्दी इंप्लीमेंट करेंगे उतना जल्दी बदलाव होगा, राइट? तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। टीम प्लेयर मतलब क्या होता है? जिम्मेवार बनना। सिर्फ अपने लिए आप कमा भी हासिल के लिए नहीं आए हैं, आपके साथ बहुत सारे लोगों की जिंदगी जुड़ी हुई है। जब आप प्लान देते हैं तो उनकी वाइफ सुनती है पढ़ने के पीछे से, उनकी बूढ़ी माँ सुनती है, बच्चे भी सुनते हैं। यस, उनको क्या लगता है कि कोई भगवान रूपी कोई बंदा आया है जो मेरी जिंदगी को बदलने आया है, एक उम्मीद भर के आते हैं। और क्या करते हैं, मीटिंग नहीं आएंगे, उनको भी लेके नहीं आएंगे, प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, उनको भी नहीं यूज कराएंगे, सीखेंगे नहीं, सिखलाएंगे भी नहीं, छोड़ के चले जाते। इसीलिए पता है लोग आज नेटवर्क मार्केटिंग से ना कंपनी से नहीं डरते हैं, डाउट कंपनी से नहीं होता है, अपने होने वाले अप्लाइंस से ज्यादा डाउट होता है। पता नहीं आदमी टिकेगा, ये तो खुद ही नेगेटिव रहता है, फोन तो उठाता ही नहीं है, थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम है गजनी बन जाते हैं लोग, फोन ही नहीं उठाते हैं, ना अप्लाई करना, डालना ही का यार। अरे यार, कौन सा लीडर आपको कॉल कर रहा होगा आपके साथ ज्वाइन करने के लिए? हाँ, और आप उसमें फोन स्विच ऑफ उठाएंगे नहीं, क्या होगा, क्या होगा? वो किसी के साथ ज्वाइन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लोग ना मजबूर नहीं है, बाप चुन सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। बाप मतलब अप्लाई, चुना जा सकता है, आप नहीं तो कोई और। इसीलिए आपको जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, राइट? यस सर। लेंगे? यस सर। कितने लोग लेंगे? चलिए देखता हूं, उम्मीद है सब लोग लेंगे। नेक्स्ट होता है अकाउंटेबिलिटी, लेन देन। बिजनेस में लेन देन सही नहीं हुआ तो बिजनेस कोलैप्स, क्रैश हो जाएगा। लेन देन बहुत प्रकार का होता है, बहुत लोग प्रोडक्ट उधारी में लेंगे, शॉपी वाले को पैसा देंगे नहीं, होता है ऐसा? प्रूफ है मेरे पास, नाम ले सकता हूं लेकिन नहीं लूंगा। क्यों, काहे उधारी भाई, आपको डिस्काउंट प्राइस में प्रोडक्ट मिल रहा है तो उधारी क्यों? एमआरपी में नहीं ले रहे हैं आप? शॉपी वाले का कमीशन कितना पता है आप लोगों को? राइस ब्रांड में 2.5%, हल्दी मिर्चा में 4%, पर्सनल केयर में 5%, वेलनेस में 7%, एवरेज निकालेंगे तो कितना होगा? 5-6%। यार आप मान के चलिए उसका 1 लाख का महीना का सेल नहीं है, यस, 1 लाख दुकान पर होगा तो 4-5 हजार रुपए तो किराया देगा, किराया।
और आप 5,000 उधार ये ले लोगे, उसका क्या बचेगा? सोचो आप सोपी बंद कर जाएगा तो फिर सोपी खुलेगा वहां पे? ऐसा क्यों करते हो आप? तो अगर आपको डायमंड सफायर एक रियल हीरो बनना है, टीम प्लेयर बनना है, उधारी बंद, कोई सोपी वाले उधारी नहीं देंगे, चाहे खिलेस मत हो, चाहे विक्रांत सर हो, चाहे कोई भी एनीबॉडी हो, नहीं देना है। यस नहीं देना है। जो देंगे तो वो अपनी जिम्मेवारी पर्सनल रिलेशन से देंगे, अपने जिम्मेवारी से। अगर आपको लगता है बंदा दे सकता है तो दे सकते हैं, एज ए लीडर एज ए डायरेक्टर रूल नहीं देना होगा, राइट। तो आप सेकेंड होता है, तीसरा है कंसिस्टेंसी, लगातार कोई भी चीज को लगातार करना होगा। मीटिंग एक बार नहीं, बार बार आना है, प्रोडक्ट बार बार देना है, हर चीज को लगातार लगातार करते करते आपने एक हैबिट बन जाता है, ठीक है। एक बार में कोई भी सफल नहीं होता है, एक प्रयास में सचिन तेंदुलकर भी शतक नहीं बनाया था पहली बार, कितना बार, कितना फेल, कितना रिजेक्शन, कितना ऑब्जेक्शन, हाँ, लेकिन लगातार लगातार करते करते मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर बोलते हैं कि नहीं, आप भी बन सकते हैं। मेरे साथ भी हुआ, बहुत सारे लोग रिजेक्शन किए, बहुत लोग नहीं आए, क्या फर्क पड़ता है, बार 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 बार। अरे यार, जब मुझको 10 लाख कमाना है तो क्या 100 आदमी मुझे रोक सकते हैं? नो सर। वो इस इंडिया में जहां पे हजार जिधर टकराव ना, वो बेरोजगार आदमी, बीमार आदमी रोक सकता है क्या? नो सर, कभी नहीं रोक सकता है, राइट। सेवन है बी लर्नेबल, टीचेबल एंड डुप्लीकेबल। आप हमेशा आपको सीखने के लिए तैयार रहना होगा, हमेशा आपको सीखने के लिए, क्योंकि आपको अगर नेक्स्ट लेवल में जाना है तो अपने आप को अप टू डेट और अपग्रेड करना पड़ेगा। जमाना बदल रहा है, अगर अपने आप को पुराना मानसिक कह सके, नहीं मैं तो पुराना लीडर हूं ना, मैं तो कई साल से काम किया हूं ना, मेरा 1 लाख इनकम था 10 साल पहले, था वो था, अभी है नहीं है, दैट मींस आपको अपने आप में बदलाव सीखना पड़ेगा। तो सीखेंगे तभी जाके सिखला पाएंगे। यस, क्योंकि ये डुप्लीकेबल का बिजनेस है, ये डुप्लीकेबल का बिजनेस है। आप अगर सीखेंगे तो लोगों को सिखलाएंगे, आप मीटिंग में आएंगे तो लोगों को लेके आएंगे। फॉलो द सिस्टम, फॉलो द सिस्टम, सिस्टम जो भी मैं बता रहा हूं सब कुछ सिस्टम है, हर एक चीज को फॉलो करना होगा। एडिफिकेशन, एडिफिकेशन क्या होता है पता है आपको? एडिफिकेशन मतलब सबको प्रमोशन करना, प्रोडक्ट का प्रमोशन किस तरह से करते हैं आप? बहुत लोग देखता हूं जाते हैं घर में अपने कुर्सी में टेबल में जमीन में प्रोडक्ट में देखता हूं, बहुत मुझे बुरा लगता है, प्रोडक्ट जमीन में आप चेयर में, अरे प्रोडक्ट का जगह ऊपर है, ये प्रोडक्ट है तभी तो जाके आप डायमंड क्राउन है, पैसा आता है, हाँ। तो प्रोडक्ट हमेशा टेबल में रखना चाहिए, उसका सम्मान करिए, नीचे नहीं पैर के नीचे है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का एडिफिकेशन बहुत अच्छे तरीके से, सीनियर है तो सीनियर का एडिफिकेशन, कंपनी का प्रमोशन, मतलब प्रमोशन ऐसा करना चाहिए कि अगले को लगना चाहिए इससे बेस्ट प्रोडक्ट, इससे बेस्ट कंपनी, बेस्ट सीनियर है ही नहीं। यस, इसके बारे में भी हम लोग कंप्लीट ट्रेनिंग रखेंगे, एक दिन में कुछ भी होने वाला नहीं है। काउंसिल अपलाइन, अपलाइन इस बिजनेस में आपके अपलाइन ही एक शख्स है, अकलौता शख्स जो आपको कामयाबी की ओर लेके चलते हैं। अब बहुत सारे लोग अपलाइन से झगड़ा करते हैं, अपलाइन बहुत बुरे होते हैं ना, तो आपको अपलाइन से, सक्सेसफुल अपलाइन से रेगुलर टच में रहना है, काउंसलिंग करना है, काम हो नहीं हो अपलाइन से बात करना है। जो जो लोग अपलाइन से टच होते हैं उनका पिन लेवल चेंज होता है, उनका इनकम बढ़ता है, ठीक है। माइंड योर ओन बिजनेस, आपकी बिजनेस है, जिम्मेवारी आपको लेना होगा, ठीक है भैया, आपके सपने है ना, गाड़ी आपको लेना है, मोटर बंगला सब दिखलाया गया था शुरू में, बहुत मजा आया था ना जी। तो आपको उसके लिए तैयार रहना होगा, आपको उसको जिम्मेवारी लेना पड़ेगा, उसके लिए दर्द पेन रिजेक्शन सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। यस, नेवर पास एनी नेगेटिव और डाउनलाइन क्रॉस लाइन, कोई भी नेगेटिव चीज अपने डाउनलाइन अपने क्रॉस लाइन के पास चर्चा नहीं करनी है, ये बहुत बड़ा चीज है, इसको आप मार्क कर लीजिए। काम नहीं होता तो लोग ना नेगेटिव नेगेटिव वाले लोग गाना गाते हैं, तुम्हारा काम चल रहा है नहीं, अरे मेरा तो और नहीं चल रहा है, तुम्हारा सीनियर कैसा, नहीं मेरा सीनियर तो बहुत खराब हो, लेख नहीं दिया, क्या ले, क्या ले, कौवा बिरयानी वाला। अरे जब आपको रेस जीतनी है तो एक पैर से रेस जीतेंगे क्या? दोनों पैर आपका होना चाहिए, कमांड दोनों में अपना होना चाहिए ना, तो पावर लेग क्या होता है, क्या लेग, दोनों लेग में जिनका जिनका दोनों लेग में कमान, वो लोग कभी नहीं रुकते हैं, हम लोग कोई कभी नहीं रुकते हैं, राइट। ये बीमारी को हटा दीजिए, तो वह बिरयानी वाला लेग पीस ये सब नहीं, ठीक है। कार्डिनल रूल है नेवर डू एनीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम विदाउट काउंसलिंग और एक्टिव अप्लाइंग सक्सेसफुल अप्लाइंग। कोई भी काम शुरुआत अगर करने जा रहे हैं, शुरुआत है नए हैं, तो बिना आपके एक्टिव अप्लाइंग से पूछे बिना नहीं करना है, चाहे मीटिंग लेनी है, प्लान देने जा रहे, कुछ भी फ्लेयर बैनर पोस्टर विजिटिंग कार्ड कुछ भी बनाने वाले हैं,
बिना एक्टिव अप्लाइंस से पूछे नहीं करना है। यस, नेवर पास एनी नेगेटिव नाम, इसको मैं कर चुका। नेवर मिस विद एनीबॉडी मनी इवन इज पॉज, किसी का पैसा से, पैसा आया ज्वाइनिंग का सीधा सोपे में बिलिंग कराई, पॉकेट में नहीं रखी है। अभी पता है बहुत लोग का इस इवेंट का पैसा पहले मिला हुआ था सीनियर को, पॉकेट में रखे वो, तो मैं थोड़ा सा दरिया दिल दिखे, तो मैं जितना हार्ड हूं ना अभी बहुत मुश्किल था यहाँ पे एंट्री होना, 120 से 120। लेकिन चलो फर्स्ट टाइम है, सिखलाना है, अच्छे आप लोग हैं, एक बार थोड़ा सा माफ होता है। कहने का मतलब है आपको पैसा का लेन देन में स्टिक रहना है, नेगेटिव नहीं करना। स्पॉज हमारे इस डायरेक्ट सेलिंग में महिलाएं भी बहुत काम करती है, किसी के माताएं हैं, बहन बहने हैं, उनसे थोड़ा डिस्टेंस बना करके क्या बोलना है क्या नहीं करना है हर कुछ को मेंटेन करना है, राइट? यस सर। इसके लिए भी डेमो हम लोग इसके लिए भी ट्रेनिंग करेंगे, कैसे बिहेव करना है बताएंगे। नेवर डू फोर सीज, क्रिटिसाइज नहीं करना है, किसी का बुराई नहीं, किसी से तुलना नहीं करना है, कंप्लेन करना, ये सब कंपेयर नहीं करना है। जो है वो अपने जगह अच्छे हैं, कुछ चीज कमियां है अकेले में उसको ठीक करना है, भीड़ में नहीं। ट्रेनिंग में हम लोग बोल सकते हैं, अभी ट्रेनिंग में जिनमें जिनमें कुछ कमियां हमें खुद टटोल रहे हैं, ऐसा ना सबके सामने बुराई नहीं करना है किसी, क्योंकि ईगो पर ठेस लग जाता है, क्योंकि हर लोग अपने जगह में महान होते हैं, उसको बोलना नहीं तो पर्सनली बोलना है, राइट? हाँ, नेवर ये सब अल्कोहल स्मोकिंग ये सब मीटिंग पैलेस में नहीं चलेगा, ध्यान रखिए। हम लोग वेलनेस बिजनेस कोच हैं, ये सब नहीं चलेगा। अगर करना भी है तो अपना कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मीटिंग पैलेस में नहीं। माइंड योर ओन बिजनेस, डोंट डिस्कस विद क्रॉस लाइन, ठीक है? 5 मिनट। हाँ, टाइप्स ऑफ मीटिंग क्या क्या होते हैं इसके बारे में बहुत देखिए। ये जो डीटी मेरा जो पार्ट है कम से कम 3 घंटा का चाहिए, जो हम कभी नेक्स्ट बार में करेंगे बहुत जल्द। आप लोग लेना चाहेंगे? yes! जैसे होम मीटिंग करना है कैसे करना है, वन टू वन बोलना है तो कैसे बोलना है, तो क्लोजिंग कैसे करना है, क्लोजिंग में क्या बोलना है, वीकली मीटिंग कैसे करना है, इस तरह से मीटिंग का जो प्रकार होता है, सबसे पहले वन टू वन, उसके बाद होम मीटिंग। होम मीटिंग नहीं करते आप लोग, बिना होम मीटिंग के वीकली मीटिंग सक्सेस हो ही नहीं सकता है। अब होम मीटिंग कैसे करना है उसका कंटेंट मेरे पास है, क्या क्या होनी चाहिए, कितना टाइमिंग, क्या क्लोजिंग, सब कुछ है। वीकली मीटिंग, होम मीटिंग बाद वीकली मीटिंग, वीकली मीटिंग के बाद अपॉर्चुनिटी मीटिंग, उसके बाद वेलकम मीटिंग होता है, और TTW आज जो हो रहा है क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग वर्कशॉप, उसके बाद क्या है LDP लीडरशिप, और आपको लीडर बनना, एडवांस ट्रेनिंग मिलेगा आपको, उसके लिए हमारे पास तैयारी है। LDP करना चाहेंगे आप लोग? yes, उसके लिए भी है। फिर आपका प्रोडक्ट ट्रेनिंग, यस प्रोडक्ट ट्रेनिंग बहुत मेन चीज है, प्रोडक्ट उसका नॉलेज भी होनी चाहिए। सक्सेस सेलिब्रेशन करते हैं, जैसे हमको लगता है अगले महीना हम लोग करने वाले हैं, अगले महीना जो नए नए टीम बहुत, उसमें मस्ती धमाल डीजे सब कुछ चलेगा, एकदम मस्ती चलेगा वहां पे। यस, वो प्रोग्राम भी हम लोग करेंगे, धमाल मचाने वाला। फिर हिल स्टेशन टूर, अभी क्या चल रहा है काश्मीर, जम्मू काश्मीर टूर विजुलाइज करिए आप, तो वहां पर भी चलेगा। तो इस तरह का प्रकार होते हैं। नेक्स्ट 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 ये सब टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट, हाँ, व्यापार नहीं चलने का कारण, फोटो खींच लीजिए और अपने आप को रात में देखिएगा क्यों नहीं चल रहा है। प्रॉपर फॉलोअप नहीं होना, मीटिंग डेट कैंसिलेशन, ये मीटिंग सर नहीं नेक्स्ट बार करेंगे, इस बार नहीं आएंगे सर, अगले बार आएंगे, आप लोग नहीं चलेगा। लैक ऑफ नॉलेज, नॉलेज की कमी, ज्ञान की कमी, फॉर्म रोक लेना, ज्वाइनिंग को रोक लेना, प्रोडक्ट यूज नहीं करना, कंपनी विजिट नहीं होना, हेरा फेरी करना, पैसा का हेरा फेरी खूब करते हैं लोग, सब पता चलता है ऑनलाइन पे, कौन करते हैं कौन नहीं करते हैं सो। पॉजिटिव बुक्स नहीं पढ़ना, बिजनेस टूल्स नहीं रखना, लोअर प्रेजेंटेशन प्लान सही से नहीं देते हैं आप, अब प्लान सही से दे ही नहीं पाते ना, समझेगा ना ज्वाइन करेगा कैसे करेगा, ठीक है ना। लैक ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग नहीं, अगर आपका बिजनेस नहीं और आपका पिन नहीं चेंज, दैट मींस कंपनी प्रोडक्ट कुछ गलत नहीं है, आपका नॉलेज में कमी, उसको बढ़ाइए। यस, नॉलेज को बढ़ाइए। नो गोल नो प्लानिंग, आपके पास गोल है लक्ष्य ना प्लानिंग है, लक्ष्य नहीं रहेगा तो प्लानिंग ऑब्वियसली होगा नहीं, राइट? नो सेल्फ इंप्रूवमेंट, अपने आप में इंप्रूव करने के लिए कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। अभी तक मैंने, मुझको लगता है कम से कम 5 से 10 लाख रुपए अपने आप में मैं डाला हूं, उससे भी ज्यादा किताबें, ट्रेनिंग, 5,000, 10,000, 20,000, 33,000 का ट्रेनिंग कोर्स लॉकडाउन में मैंने किया है, तभी तो बदलाव आया है सर, बदलाव आ रहा है कुछ बहुत। मेरे कुछ वेल विशर्स का कहना है खिलेश जी 5 साल पहले आप एकदम कुछ नहीं थे, एकदम अभी चेंज हो गए, क्यों? किताबें, ट्रेनिंग और मीटिंग। यस, तो ये आपको ही बदल के रख देगा। टाइम मैनेजमेंट, आज बहुत अच्छा, मैं बहुत अच्छा लगा कि फर्स्ट मीटिंग आप लोग टाइम मैनेजमेंट किए हैं। नेक्स्ट बार 9 बजे करेंगे, आएंगे आप लोग? yes, sir. उसके बाद 7 बजे मॉर्निंग में करेंगे, आएंगे? yes. कितने लोग 7 बजे आएंगे? yes, आप लोगों को कोई डायमंड होने से नहीं सकता, अपने लिए जोरदार ताली। लीडरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग LDP, लीडर बनना है तो ये DTW से काम नहीं चलेगा, और विदाउट फैमिली, ये बिजनेस फैमिली बिजनेस है, अगर शादीशुदा है वाइफ को इन्वॉल्व करिए। मैं गया नहीं रात में रांची में, अदरवाइज वाइफ को लेके आता मैं।
कि घर वाले को ट्रेनिंग देना, घर वाले को ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। घर वाले ही पैर को खींचते हैं, खींचते हैं कि नहीं? किसी का शादी होने वाला है, गर्लफ्रेंड को लेके बैठिए, यस, अपना गर्लफ्रेंड को, दूसरा का नहीं, दिक्कत पंगा हो जाएगा फिर, यस, अपना गर्लफ्रेंड को, हाँ, और फैमिली अगर भाई बहन है, माता है, उसको भी लेकर आइए, यस, क्योंकि फैमिली में बहुत प्रॉब्लम होता है, पति है, पत्नी है, पति को निर्भर करके डिस्टर्ब करे, कहाँ गई थी, रात हो गया, अरे कहाँ करती है तुम, ब्लेजर लगाती हो आजकल, चलता है कि नहीं, तो फैमिली को लेकर आना है, यस, और आप लोग भी सफलता के राम रूप अहंकार ईगो नहीं, मैं तो नहीं सीखूंगा ना, मुझे खिले सिखलाएगा, वो तो हमसे उम्र छोटा है, ये विक्रांत को तो 30 साल में बच्चा का सिखलाएगा, हाँ, ईगो नहीं हटाइए, कोई फायदा नहीं, ईगो को क्या बोलते हैं हमारे देहात में, धरना बोलते हैं, धरखा बोलते हैं, उधर लेके छोड़ के आइए उधर, ठीक है, योजना का नहीं होता, प्लानिंग नहीं होता, लक्ष्यों का नहीं होना, टाल मोटोल की प्रति आज नहीं कल करेंगे, आज थोड़ा सा ठंडा है ना, गर्मी है ना, बरसात है ना, नहीं चलेगा ये सब, उसको चेंज करिए। आर्थिक असुरक्षा मतलब क्या करें सर, काम तो करते हैं ना सर, लेकिन पैसा नहीं है ना, हाँ मतलब पैसा रहता तो काम करते हैं, रिलायंस इधर में होते तो थोड़ी ना काम करते, पैसा नहीं इसीलिए काम करना होगा, पहले काम करिए फिर पैसा आएगा, बिना काम के पैसा नहीं आता है, ये बात तो काम खोल के सुन लीजिए। पैसे की लालच की वजह से दूर की ना सोचना तुरंत, अरे वहां उस कंपनी में 1 लाख डाले ना सर, रोज पैसा आता है, हर दूसरे महीने में डबल, छठा महीना में सोहा, उसके बाद फेल हो गया, गजनी बन गया, उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, नहीं सर नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत खराब चीज है ये फालतू तो ये वो, अरे यार गलत जगह गए हो, कचरा चीज को खाए हो, सस्ता पाके क्या होगा, हाँ पेट खराब होगा कि नहीं होगा, वही होता है, सारा बोझ खुद लेना, बहुत लोग एकदम अकेले सब बोझ लेते हैं, नहीं चलेगा, बांटिए, ऑक्टोपस मत बनिए, ऑक्टोपस को देखे हैं, एक टाइम के बाद लीडर को लीडर बनाइए, छोड़िए उसको, छोड़िए मतलब भैया तू बीएपी खुद से कर, खुद से प्लान के ये करना पड़ेगा, मैं करवाता हूं, वही लीडरशिप है, यस, क्षमता से ज्यादा अपने आप को बांधना, कमिटमेंट करना होना, कमिटमेंट, अभी लास्ट में कमिटमेंट करवाएंगे, करेंगे आप लोग ना, yes! कमिटमेंट, शादी की हिंदू में 7 फेरा कसम, चलेगा इधर करना चाहेंगे, yes! देखता हूं, ट्रेनिंग की कमी, सॉरी वहां पे मिस्टेक, ट्रेनिंग की कमी, ट्रेनिंग और दृढ़ता की कमी, प्राथमिकताओं की कमी, यस, yes? इस तरह का काफी चीजें हैं, बहुत सारा स्लाइड, मजा आ रहा है आप लोग को, yes! थोड़ा सा ट्रेनिंग थोड़ा हार्ड होता है, थोड़ा लगेगा, कुछ लोग मिस्टेक करने लगता है कि मेरे ही को खिलेज बोल रहा है ऐसा ऐसा लग रहा है ना, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, आपके परिवार के हित के लिए बोल रहा हूँ, अगर उसको ठीक नहीं करेंगे, मुझको भी ऐसे ही लगता था शुरू में, लेकिन अगर आपको अगर रियलाइज कर पा रहे हैं रियली में ना, और अगर सुधार कर लिए तो आप जीत रहे हैं, आप डायमंड की ओर जा रहे हैं, ये फीलिंग कर लीजिएगा, यस, तो काफी सारी चीजें हैं, ट्रेनिंग का, राइट स्टार्टअप कैसे करें, होम मीटिंग ये सब हम लोग करेंगे, लेकिन एक दिन में नहीं होगा, हम लोग, अच्छा कितने लोग चाहते हैं कि हर महीना इस तरह का ट्रेनिंग हो, यस सर, बहुत लोग लग रहा था खिले जी का सोचे 1000 रुपए में आ जाएगा, लो ऐसे ही सोच रहे होंगे ना, अरे रोकना पड़ा मुझको, कम से कम 30-40 लोगों को बोला कि नहीं है, तब भी लोग पैसा को डाल दिया मेरे अकाउंट में, 100 लोगों को लेते हैं हम लोग, तो और अच्छा से मीटिंग करते, पूरा राउंड टेबल बढ़िया से, नेक्स्ट बार से एक दिन में नहीं होगा, 2-3 दिन ऐसा करेंगे, आएंगे आप लोग, yes! अगर डायमंड बनना है तो, चूंकि हम लोग डायमंड बन रहे हैं भाई, प्रूफ है, अंदाजी नहीं बक रहे इधर, तो आप लोग को बना सकते हैं, सर ने बोला था जो 1 लाख कमाता है 1 लाख के बारे में हम लोग कमा रहे हैं कि नहीं, yes, yes, sir. तो ये चीज 100% आपको देने, जो हम लोग से 2 साल हुआ, 10 साल जो देरी हुआ ना, 1 साल में डायमंड बना देंगे आप लोग को, तैयार है, तो माई टाइम इज फिनिश, Yes? मेरा टाइम, अगर आपको ये ट्रेलर अच्छा लगा होगा, तो पिक्चर अभी रिलीज नहीं हुआ है, केमिस्ट्री में करता, याद रखिएगा, यस, yes? हम लोग सुपर ट्रेनिंग करेंगे, इतना दिन पापड़ नहीं खेले, अब की बार अनुभव से स्टार्ट किए हम लोग काम करना, यस, yes? और अभी खेले से लिए बहुत सारे फल, एक से एक स्पीकर हैं, सबको सुनने को मिलेगा आपको, यस, yes? तो मीटिंग को मिस नहीं करना, जो भी चीजें अभी तक आपने सुना है उसको 100% यूज करेंगे, यस, यस, तो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गो डायमंड, थैंक यू, अगर प्रिंसी वाओ ग्रेट सेशन, राइट, लग गया ना कि कैसे जाना है डायमंड, yes. हाँ yes. इसी को बोला जाता है दर्पण, आपको दिखाई पड़ रहा है अपने आप को, यहाँ पे देख रहे थे ना, yes. होता है ना बुरा तो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई,
जो दिन ढूंढा आपना मुझसे बुरा ना कोई, है ना, सारे अपलाइन कहीं पूरा ही दिखता है, है ना, मेरा अपलाइन ये, मेरा अपलाइन वो, मेरा अपलाइन ये, है ना, मेरे लिए प्लान नहीं करता, मेरे लिए प्रोडक्ट नहीं पता, मेरे ट्रेनिंग नहीं करता है, पता नहीं शिकायत है ना। बट क्या है ना, जिस दिन आप अपलाइन बनते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि यस, मैं भी तो कभी ऐसा ही किया करता था, है ना। तो मैं चाहूंगा ना हमारे ग्रेट मेंटर, ग्रेट अपलाइन मिस्टर किरेश सर के लिए जोरदार क्लैपिंग। टाइम की कमी है, बहुत सारे कंटेंट्स बच गए हैं, बट अभी हम लोगों ने लंच के समय में सर लोगों के साथ बातचीत किया है कि नेक्स्ट प्रोग्राम जो होगा 2 डेज का होगा, और वो होगा झारखंड से बाहर होगा, मजा आएगा ना। वाओ, डेस्टिनेशन भी तय हो चुका है, बट अनाउंसमेंट बाद में होगा, राइट। तो दिल थाम करके बैठिए। अब मैं लास्ट आवर में, समय लगभग होने जा रहा है, बट लगता है कि पूरा हो गया, छुट्टी करना चाहिए। चलिए, तो जाते जाते एक बड़ी पिटारा को खोलने का समय आ रहा है। पहले आप लोग सुन चुके हैं, बट उनको लगता है कि लास्ट उन्हीं के चंद आशीर्वादों से हम लोग मीटिंग को समापन करेंगे। नाउ फ्रेंड्स, आप उनका वेलकम करने में हमारी मदद करें। झारखंड के प्रथम डायमंड कितने लोगों को सीखने के लिए हाथ उठाएंगे, कितने लोगों को बोर लगा।